जय हिंद सभी को। राम एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इकोनॉमी का तीसरा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है मौद्रिक नीतियाँ, मॉनेटरी पॉलिसीज। इससे पहले मैं दो टॉपिक बता चुका हूँ। एक टॉपिक बताया था इंट्रोडक्शन और दूसरा टॉपिक डिस्कस किया था वो था इन्फ्लेशन। जिन लोगों का इन्फ्लेशन टॉपिक छूटा हुआ है वो ज़रूर पढ़ लें। आपको जो मौद्रिक नीति टॉपिक है वो तभी अच्छे से समझ में आएगा जब आपको इन्फ्लेशन क्लियर होगा। यहाँ पर इन्फ्लेशन का उपयोग होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम मौद्रिक नीतियों को, मॉनेटरी पॉलिसीज़ को। तो मौद्रिक नीतियाँ होती क्या हैं? मौद्रिक नीति किसी देश का केंद्रीय बैंक जारी करता है, सेंट्रल बैंक जारी करता है। तो यहाँ पर आप समझना, मौद्रिक नीति जारी करने की जिम्मेदारी सेंट्रल बैंक की है, केंद्रीय बैंक की है। और भारत में जो सेंट्रल बैंक है वो है RBI। तो भारत में जो मौद्रिक नीतियाँ हैं इनको जारी करता है कौन? RBI। और जो मौद्रिक नीतियाँ जारी करता है RBI, मॉनेटरी पॉलिसीज, मौद्रिक नीतियाँ, और इन मौद्रिक नीतियों के द्वारा RBI नियंत्रित करना चाहता है अर्थव्यवस्था में तरलता को। तरलता का मतलब मैंने बताया था लिक्विडिटी को। तो लिक्विडिटी मतलब, या तरलता मतलब अर्थव्यवस्था में पैसे की मात्रा। मतलब यदि अर्थव्यवस्था में पैसा ज़्यादा है, इसका मतलब है कि लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था में तरलता है, लिक्विडिटी है। और यदि इसके विपरीत लोगों के पास पैसा कम है, इसका मतलब है कि तरलता कम है। तो जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ वो सेंट्रल बैंक जारी करता है, भारत का सेंट्रल बैंक है RBI, और मॉनेटरी पॉलिसी जारी करके RBI अर्थव्यवस्था में तरलता को नियंत्रित करता है। अब देखना, लिक्विडिटी या तरलता नियंत्रित करना क्यों ज़रूरी है? मैंने आपको समझाया था जब मुद्रा स्फीति पढ़ाते समय, यदि अर्थव्यवस्था में तरलता ज़्यादा होगी, यदि अर्थव्यवस्था में तरलता ज़्यादा है मतलब लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, तरलता ज़्यादा होगी तो मांग ज़्यादा होगी, मांग ज़्यादा होगी, और मांग ज़्यादा होगी तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ने से देश की उत्पादन बढ़ेगा तो देश की GDP बढ़ेगी, और GDP बढ़ेगी, इसी को मैंने बताया था, GDP का बढ़ना ही क्या है, आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। तो तरलता बढ़ना अच्छी बात है, तरलता बढ़ने से लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग मांग करेंगे, डिमांड करेंगे, डिमांड ज़्यादा होगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ने से GDP बढ़ेगी, और GDP जब बढ़ेगी तो देश में आर्थिक समृद्धि आएगी। लेकिन दिक्कत क्या है, यदि तरलता ज़्यादा हो जाए, तरलता और बहुत तेज़ी से बढ़ जाए, लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाए तो लोग मांग ज़्यादा करेंगे, और जब लोग मांग ज़्यादा करेंगे, मैंने आपको समझाया था, तो यहाँ पर समस्या उत्पन्न होगी, वो होगी इन्फ्लेशन। यहाँ पर समस्या होगी मुद्रा स्फीति की, मतलब महंगाई बढ़ेगी। जब मांग ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, तो इससे महंगाई बढ़ेगी। मैंने आपको बताया था कि मान लो 20 मोबाइल हैं और मांगने वाले थे 10, डिमांड करने वाले 10 थे, तो मोबाइल की कीमत सस्ती थी। मान लो 20 मोबाइल हैं और मांगने वाले हो गए 25, तो मोबाइल की कीमत बढ़ेगी। यदि मांगने वाले और अब 50 खड़े हो जाएं, मांगने वाले अब हो गए 50, तो अब जो मोबाइल की कीमत है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। तो जब तरलता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उससे मांग ज़्यादा बढ़ती है, और मांग ज़्यादा बढ़ने से मुद्रा स्फीति बढ़ती जाती है, महंगाई बढ़ती जाती है, और महंगाई को नियंत्रित करना सरकार की जिम्मेदारी है। तो मौद्रिक नीतियों के माध्यम से जो RBI है अर्थव्यवस्था में तरलता को नियंत्रित करती है। यदि तरलता बढ़ गई है तो RBI कोशिश करती है कि तरलता को नियंत्रित किया जाए, और तरलता को इतना नियंत्रित किया जाए जिससे जो इन्फ्लेशन है वह नियंत्रित रहे। मतलब महंगाई तो बढ़े लेकिन बहुत ज़्यादा ना बढ़े, ठीक है। अब इसके विपरीत क्या होगा, यदि अर्थव्यवस्था में क्या हो जाए कि अर्थव्यवस्था में तरलता कम हो जाए। इस बार अर्थव्यवस्था में तरलता कम हो गई, मतलब लोगों के पास पैसा नहीं है। जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो लोग क्या मांग करेंगे, तो लोग डिमांड नहीं करेंगे, और जब मांग नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन होगा क्या, उत्पादन भी नहीं होगा, उत्पादन भी नीचे आएगा, और प्रोडक्शन नीचे आएगा तो देश की जो GDP है, देश की GDP भी कहाँ आएगी, नीचे। और देश की जब GDP नीचे आएगी, इसका मतलब है कि जो आर्थिक समृद्धि है वो भी क्या आएगी, नीचे आएगी।
इकोनॉमिक जो प्रॉस्पेरिटी है वो भी नीचे आएगी। मतलब तरलता कम है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो डिमांड नीचे आने से प्रोडक्शन नीचे आएगा, देश की जीडीपी नीचे आएगी, जिससे क्या होगा, आर्थिक समृद्धि भी क्या आएगी, नीचे आएगी। अब आरबीआई की जिम्मेदारी है या भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि वह देश की जीडीपी को बढ़ाए, देश में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लाए। अब लेकिन इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी तब आएगी जब चीज़ों का क्या हो, प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन जब आएगी तब चीज़ों की क्या बढ़े, मांग। और मांग बढ़ने का सिंपल सा तरीका है अर्थव्यवस्था में, तो तरलता घट गई है, लोगों के पास पैसा नहीं बचा, वो लोगों के पास पैसा दिया जाए। तो मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा आरबीआई अर्थव्यवस्था में तरलता को नियंत्रित करती है। मतलब जब तरलता ज़्यादा हो जाती है, और तरलता ज़्यादा होने से इन्फ्लेशन होता है, तो आरबीआई क्या करती है, लिक्विडिटी को कम करती है। और जब लिक्विडिटी कम होने लगती है, तरलता कम होने लगती है, तो आरबीआई इसे बढ़ाने की कोशिश करती है, ठीक है ना। तो जो तरलता है ना, तो उसका कम होना अर्थव्यवस्था के लिए ठीक है, और ना बहुत ज़्यादा होना ठीक है, तो आरबीआई इसे नियंत्रित करके रखती है। तो मेन काम मौद्रिक नीतियों का है तरलता को नियंत्रित करना। और होता तरलता नियंत्रित होगी कैसे, तो मैं अभी इस टॉपिक को आगे डिस्कस करूँगा आपसे। तो आप इतना समझ लीजिए अभी कि जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती हैं, यदि मॉनेटरी पॉलिसीज़ आसान होंगी, सरल होंगी, आसान होंगी, तो जो तरलता है, लिक्विडिटी है, तरलता वो बढ़ेगी। और यदि मॉनेटरी पॉलिसीज़ कठिन होंगी, तो जो तरलता है वो क्या होगी, कम होगी। अभी आपको मैं आगे डिस्कस करूँगा मॉनेटरी पॉलिसीज़ के टूल्स, तो आपको टॉपिक और क्लियर होगा। तो अभी अपन को इतना समझ में आ गया कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसीज़ के द्वारा तरलता को नियंत्रित करती है। तो ना तो तरलता कम होना अर्थव्यवस्था के लिए ठीक है, और ना बहुत ज़्यादा होना अर्थव्यवस्था के लिए ठीक है, इसको नियंत्रित होना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार देख लेते हैं। आरबीआई मौद्रिक नीतियों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में तरलता को नियंत्रित करती है। यदि अर्थव्यवस्था में तरलता मतलब मुद्रा की आपूर्ति, लिक्विडिटी मतलब मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाए, तब यह मुद्रा स्फीति को जन्म देती, इन्फ्लेशन को जन्म देती है। ऐसी स्थिति में इन नीतियों के माध्यम से केंद्रीय बैंक तरलता को कम करने का प्रयास करती है। यदि अर्थव्यवस्था में तरलता कम हो जाए, तब इससे मांग प्रभावित होगी, आर्थिक समृद्धि नीचे आएगी। ऐसी स्थिति में इन नीतियों के माध्यम से केंद्रीय बैंक अतिरिक्त राशि प्रवाहित करने का प्रयास करेगी। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि मौद्रिक नीतियों के माध्यम से एक देश का केंद्रीय बैंक सुनिश्चित करता है कि अर्थव्यवस्था में कितने ऋण उपभोक्ता तक किस ब्याज दर पर पहुंचना चाहिए। ये सब लाइन आपको आगे क्लियर होगी। इन नीतियों को भारत में 2 बार जारी होती हैं, जो मौद्रिक नीतियाँ हैं, मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं, भारत में 2 बार जारी होती हैं, अप्रैल और अक्टूबर माह में। परंतु हर 2 माह के बाद इन नीतियों की समीक्षा की जाती है। अब है इन नीतियों के, तो अब है कि मौद्रिक नीतियों के क्या उद्देश्य होते हैं, आरबीआई किन उद्देश्यों से मॉनेटरी पॉलिसीज़ जारी करती है। मैं आपको समझा चुका हूँ, मॉनेटरी पॉलिसीज़ जारी करने का पहला उद्देश्य है अर्थव्यवस्था में तरलता को नियंत्रित करना, अभी समझाया था ऊपर। दूसरा उद्देश्य है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, बताया था कि तरलता ज़्यादा होगी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो इन्फ्लेशन को कम करना, तरलता को क्या कम कर दिया जाए, लिक्विडिटी को कम कर दिया जाए। तीसरा उद्देश्य है आर्थिक समृद्धि को नियंत्रित करना। और चौथा उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं की तुलना में जो भारत की करेंसी है उसको स्थिर बनाए रखना, ठीक है। तो यहाँ पर वो सब लिखा हुआ है। और आरबीआई क्या करता है, तरलता को नियंत्रित करने के लिए 2 प्रकार के टूल्स का प्रयोग करता है। आरबीआई लिक्विडिटी को नियंत्रित करने के लिए 2 प्रकार के टूल्स का प्रयोग करता है, एक टूल्स है मात्रात्मक और एक टूल्स है गुणात्मक। लेकिन आरबीआई पहले यूज़ करेगा मात्रात्मक टूल्स, और जब मात्रात्मक टूल्स काम नहीं आएंगे फिर यूज़ करेगा गुणात्मक, ठीक है ना। तो इम्पॉर्टेंट मात्रात्मक टूल्स ही हैं, गुणात्मक तो बस जरा से हैं, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है। तो वही लिखा, आरबीआई पहले मात्रात्मक टूल्स का प्रयोग करेगा और इसके उपरांत फिर गुणात्मक टूल्स का प्रयोग करेगा, ठीक है ना। तो मात्रात्मक टूल्स में आते क्या क्या यहाँ पर लिखे हुए हैं, अपन इन्हीं सब को डिस्कस करने वाले हैं। मेन जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ है उसमें मात्रात्मक टूल्स ही हैं। तो पहला जो मात्रात्मक टूल्स है उसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है CRR, सबने सुना होगा, कैश रिजर्व रेशियो, और जिसको बोलते हैं नगद आरक्षी अनुपात। एक लिखा SLR, वैधानिक तरलता अनुपात। एक लिखा OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन,
खुली बाजार की प्रक्रिया, OMO खुली बाजार की प्रक्रिया। इसके बाद अगला टूल्स है बैंक रेट, इसके बाद है रेपो रेट, फिर अगला टूल्स है रिवर्स रेपो रेट, फिर है MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसको हिंदी बोलते हैं सीमांत स्थाई सुविधा। इन सब टूल्स के माध्यम से RBI अर्थव्यवस्था में तरलता को, लिक्विडिटी को नियंत्रित करता है, बढ़ेगी तो कम करेगा और कमेगी तो बढ़ाएगा मुद्रा की आपूर्ति को, ठीक है ना। इससे पहले आपको एक टॉपिक और समझना होगा, इन टूल्स को समझने से पहले, वो टॉपिक का नाम है NDTL। तो NDTL क्या है? नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी क्या है? आपको इन मॉनेटरी पॉलिसी को समझने से पहले NDTL को समझना होगा, ठीक है ना। NDTL देख, बैंक क्या होता है? बैंक के दो कार्य हैं। कोई भी बैंक तब बैंक कहलाएगा, वो दो कार्य करता है। बैंक का पहला कार्य है, बैंक लोगों के पैसे को जमा करता है। मान लो मैं हूँ, मेरे पास 10,000 रुपये की सेविंग हुई, मैं 10,000 रुपये को बैंक में जमा करके आ गया, ठीक है ना। बैंक में मैं पैसे जमा करके आ गया, ठीक है ना, और मैंने बैंक को जो पैसा जमा किया है, आप बताइए क्या वो जमा पैसा बैंक का है? मैं जब चाहूँगा तब बैंक से अपने पैसे को ले सकता हूँ वापस। तो बैंक के पास जो मैंने जमा पैसा किया है, 10,000 रुपये मैंने जो जमा किए थे, वो बैंक की देयता है, बैंक मुझे वापस करेगा वो 10,000। इसको बोलते हैं जो बैंक की लायबिलिटी है, बैंक की देयता है। मैंने बैंक के पास जो जमा पैसे किए हैं, वो बैंक मुझे वापस करेगा, मतलब वो बैंक का पैसा नहीं है, वो बैंक की देयता है। और जबकि बैंक का दूसरा काम क्या करता है? बैंक दूसरे लोगों को ऋण देता है, लोन देता है, ऋण देता है। और मान लो मैंने बैंक से 1,00,000 रुपये का ऋण लिया, 1,00,000 रुपये का ऋण लिया, ठीक है ना। 1,00,000 रुपये का मैंने जो ऋण लिया है, वो मेरा पैसा है कि बैंक का? बैंक का पैसा है। मैंने जितने दिन के लिए वो लोन लिया है, मुझे उस समय के बाद वो बैंक को वापस करना पड़ेगा। तो जो ऋण बैंक दे रहा है, वो बैंक का एसेट्स हैं, बैंक के एसेट्स हैं, ठीक है ना, बैंक के एसेट्स हैं। तो कोई भी बैंक दो काम करता है, लोगों के पैसे को जमा करता है, उसको बोलते हैं बैंक की देयता, इंग्लिश में बोलते हैं लायबिलिटी। और बैंक क्या करता है दूसरा काम? लोगों को ऋण देता है, लोन देता है। जो ऋण देता है वो पैसा बैंक के पास वापस आएगा, वो बैंक के एसेट्स कहलाते हैं, परिसंपत्ति कहलाती है। और इन दोनों के बीच में बैंक क्या करता है? अपना प्रॉफिट कमाता है। इन दोनों के बीच में अपना बैंक प्रॉफिट कमाता है। कैसे प्रॉफिट कमाता है? मान लो मैंने बैंक में पैसे जमा किए, मैंने बैंक में पैसे जमा किए 1,00,000 रुपये, मैंने बैंक में 1,00,000 रुपये जमा किए, बैंक ने मुझसे बोला कि मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा इस पर, और मैं आपको लौटा दूंगा 1,05,000। मैंने बैंक में 1,00,000 जमा किए थे, बैंक ने मुझे एक साल बाद 1,05,000 रुपये जमा किए, जबकि वहीं बैंक ने जिस व्यक्ति को ऋण दिया है, उससे बैंक, जब बैंक ने उसको 1,00,000 रुपये दिए, तो बैंक ने उससे कहा कि आप जब मुझे लौटाओगे 1,10,000 लौटाओगे, जबकि बैंक ने मुझे कितने दिए? 1,05,000। तो बैंक ने कितने का प्रॉफिट कमा लिया? 5,000 का। तो बैंक ऐसे काम करते हैं। तो किसी भी बैंक के दो कार्य होते हैं, लोगों के पैसे को जमा करना, और बैंक जो लोगों के पास पैसे को जमा करता है वो बैंक का पैसा नहीं है, उसे बैंक की देयता कहते हैं। और कोई भी बैंक इसी जमा पैसे में कार्य करता है, इसी जमा पैसे के आधार पर चलता है। और बैंक जो दूसरों को लोन दे रहा है, वो बैंक का पैसा है, वापस बैंक के पास आएगा, तो वो बैंक की परिसंपत्ति है, इंग्लिश में बोलते हैं एसेट्स है, ठीक है ना। अब देयता को समझना, देयता लायबिलिटी को समझना। आप जो लायबिलिटी या देयता है, देयता भी दो प्रकार की होती है, एक टाइम, ठीक है ना, और एक होती है डिमांड। एक होती है डिमांड मतलब मांग, एक होती है मांग देयता, और एक होती है समय देयता। मांग देयता क्या? टाइम, पहले डिमांड लायबिलिटी समझना। डिमांड क्या है कि मान लो मैंने बैंक के पास पैसा जमा किया,
मैंने बैंक के पास पैसा जमा किया, मैंने बैंक से बोला कि जैसे मैं बैंक में पैसा जमा करके आया और मैं 1 लाख रुपए जमा करके आया बैंक में, और मैं 1 घंटे बाद गया बैंक से वो पैसे निकाल के ले आया, तो मैंने जैसे ही उससे डिमांड की बैंक ने वो मेरा पैसा लौटा दिया, ठीक है ना। तो उसे अपन बोलते हैं डिमांड लायबिलिटी, कि जब मैं बैंक से डिमांड करूँगा तब बैंक मेरा पैसा लौटा देगा। और जो डिमांड लायबिलिटी है वो 2 तरीके से बैंक में जमा की जाती है, उसे बोलते हैं कांसा, करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। जो डिमांड लायबिलिटी है वो बैंक में 2 तरीके से जमा होती है, एक होती है करेंट अकाउंट और एक होती है सेविंग अकाउंट, ठीक है ना। चालू खाता करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट मतलब बचत खाता। जो करेंट अकाउंट होते हैं वो व्यापार के उद्देश्य से खोले जाते हैं, बिजनेस के उद्देश्य से खोले जाते हैं, और करेंट अकाउंट में बैंक आपको 0% ब्याज देगा। मतलब मेरा यदि करेंट अकाउंट है, मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, यदि मेरे करेंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए भी जमा है तो उसमें बैंक मुझे 0% ब्याज देगा, 1 करोड़ के 1 करोड़ ही लौटाएगा। बस इतना है कि जब मैं बैंक से डिमांड करूँगा तब बैंक मेरे 1 करोड़ रुपए को लौटा देगा। जबकि सेविंग्स अकाउंट में क्या होगा, इसमें इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है, सेविंग्स में इंटरेस्ट मिलता है ब्याज, और कितना इंटरेस्ट होगा वो RBI और बैंक तय करते हैं कि वो सेविंग्स अकाउंट में कितना इंटरेस्ट देंगे, ठीक है ना। इसका मतलब है कि मैं बैंक के पास 1 लाख रुपये जमा करके आ गया, यदि मैं 1 लाख रुपये को निकाल नहीं रहा हूँ तो समय समय पर मुझे उन 1 लाख रुपये का इंटरेस्ट मिलता जाएगा, ठीक है ना। लेकिन चाहे करेंट अकाउंट हो चाहे सेविंग्स अकाउंट हो, इन दोनों अकाउंट में जो पैसा जमा होता है वो डिमांड लायबिलिटी होती, मतलब जब आप चाहोगे तब बैंक से निकाल सकते हो। तो ये है डिमांड लायबिलिटी। जबकि जो टाइम लायबिलिटी है वो क्या है, समय देता क्या है कि जो टाइम लायबिलिटी में जो पैसा जमा होता है वो फिक्स समय के लिए जमा होता है। मान लो मैं 1 लाख रुपये बैंक में जमा करके आया और बैंक से मैंने बोला कि मैं इन 1 लाख रुपये को 5 साल बाद लूँगा, तो वो पैसे मुझे 5 साल मिलेंगे। जैसे इसका उदाहरण है FD, फिक्स डिपॉजिट। जो FD होती है वह है एक निश्चित समय के लिए होती है। तो बैंकों के पास जो लोग अपना पैसा जमा कर रहे हैं वो 2 रूपों में करते हैं, डिमांड और टाइम। और यदि इन दोनों को मिला दो, इन दोनों को मिला दो, तो इन्हीं को बोलते हैं अपन NDTL। किसी भी बैंक का क्या बोलते हैं, NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। मतलब बैंकों के पास जितना डिमांड के रूप में, ठीक है ना, और जितना टाइम लायबिलिटी के रूप में जमा है पैसा, उसे उस बैंक का NDTL कहते हैं, NDTL कहते हैं। समझ में आया, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बैंकों की देयता मतलब लायबिलिटी, बैंक अपना कारोबार जमाकर्ता की जमा राशि से करते हैं, यह जमा राशि बैंकों की देयता है। मैं बैंक के पास जो पैसा जमा करके आया था वो बैंक की लायबिलिटी है। इसके भिन्न बैंकों द्वारा दिया गया ऋण बैंकों की परिसंपत्ति एसेट्स है। बैंकों की देयता जमा राशि जो उनकी लायबिलिटी है उसको 2 हिस्सों में वर्गीकृत किया जा सकता है, मांग देयता डिमांड लायबिलिटी, जमा यह वह जमा राशि है जिसे जमाकर्ता कभी भी निकाल सकता है। उदाहरण चालू खाता करंट अकाउंट, इसमें व्यापार के उद्देश्य से खोला जाता है 0% ब्याज मिलेगा, और सेविंग्स अकाउंट बचत, इसे बचत के उद्देश्य से खोला जाता है, इसमें बैंक ब्याज देता है। और समय देता क्या है, वह जमा राशि जिसे जमाकर्ता 1 अवधि के उपरांत परिपक्व होने के बाद, मैच्योर होने के बाद निकाल सकता है, जैसे FD। और मांग देता और समय देता को सम्मिलित रूप से बैंकों की निवल NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी कहते